मेरठ की पुलिस ने एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर लोगों के साथ ठगी करने वाले दो शातिर बदमाश राकेश राय और नाजिम अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2500 रुपए नगद, चोरी करने का सामान और एक कार को भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह कहा है कि आरोपियों ने यूट्यूब से एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने का तरीका सीखा और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, थाना सदर बाजार में और थाना मेडिकल क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें दो युवक एटीएम के अंदर प्रवेश करके उसके अंदर एक लोहे की पत्ती सा एक उपकरण लगा के छोड़ देते थे। उसके बाद जो लोग उसमें एटीएम में कैश विड्रॉ करने आते थे उनके पैसे विड्रॉ ना होकर उस पत्ती में फंस जाते थे, उसके बाद ये उसको निकाल के ले जाते थे। तो ऐसी घटना का संज्ञान जैसे ही थाना सदर बाजार में आया था वहाँ पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और सभी टीमों को उसमें अलर्ट कर दिया गया था। उसके पश्चात इन दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से वो सारे इक्विपमेंट इत्यादि बरामद हुए हैं। ये दोनों उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। जहाँ तक इनके मोडस ऑपरेंडी और उपकरण की बात है, ये इन्होंने इनके पूछताछ में बताया है कि यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से इन्होंने ऐसे सीखा है। सर, इन्होंने कितने एटीएमों में ऐसा किया है, क्या जिले में किया है, जिले से बाहर भी इन्होंने किया है और क्या इनका आपराधिक इतिहास भी है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, आपराधिक इतिहास इनका पूर्व में ऐसा नहीं रहा है, लेकिन इनके बताने के हिसाब से पहली बार ही पकड़े गए हैं क्योंकि ये बाहर के राज्य के थे, इसलिए यूजुअली ये लोकल में पहचान नहीं हो पाती थी। और दो मुकदमे जो मेरठ में पंजीकृत किए गए हैं ये इनका आपराधिक इतिहास यहाँ का है। सर, कितने कैसे मुरक्कब किया है इस तरीके से जो सामने आया जांच में? देखिए, इनके बताने के हिसाब से इन्होंने जो मेरठ में घटनाएं करी हैं वो यही दो हैं जिसका सफल अनावरण हो चुका है, और इसके अतिरिक्त भी अगर किसी और राज्य में या किसी और ज़िले में इन्होंने ऐसी घटनाएं की होंगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आ जाएगा।